नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा कल सीजीटेट 2024 के एडमिट कार्ड प्रवेश पत्र के संबंध में सूचना जारी किया है। इसका वीडियो पहले से मैं बना रखा हूँ कि एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है। बहुत सारे अभ्यर्थियों का कमेंट आ रहा है कि डाउनलोड नहीं हो रहा है, आप को वीडियो बनाना नहीं आता है। तो दोस्तों, इसमें देखिए जो डाउनलोड नहीं हो रहा है उसका रीज़न क्या है, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो इस प्रकार से देखिए, एडमिट कार्ड आप जाएंगे, एडमिट कार्ड पर जाएंगे तो उसके बाद ये एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक है। उसके बाद सीधा आपका जो है रजिस्ट्रेशन आईडी ओपन होता है। रजिस्ट्रेशन जैसे ही आप ओपन करेंगे, इस प्रकार आप अपना आईडी ओपन करेंगे। आईडी ओपन करने के बाद आप सीधे नीचे आएंगे इस प्रकार से एडमिट कार्ड डाउनलोड पर। तो एडमिट कार्ड डाउनलोड पर आएंगे तो इस प्रकार से देखिए एडमिट कार्ड डाउनलोड, तो यहाँ आपको इस प्रकार से आपका पेज दिखाई देगा, नो डाटा फाउंड। इस प्रकार से देख पा रहे हैं, अप्लाइड एग्जामिनेशन नो डाटा फाउंड, मतलब आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ है। तो क्यों नहीं हुआ है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसपे देखिए इस प्रकार से नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ये नोटिफिकेशन 14/6/2024 की स्थिति में नोटिफिकेशन जारी हुआ है, लेकिन साइट पर अपलोड कल के डेट पर 15 को हुआ है। देखिए यहाँ दिया गया है कि अभ्यर्थी अपनी प्रोफाइल में जाकर प्रवेश पत्र 15/6/2024 से डाउनलोड कर सकते हैं। कब से? 15/6 मतलब कल से, जो मैं वीडियो बनाया हूँ कि 15/6/2024 से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से देख सकते हैं इनका एग्ज़ाम जो है 23/6/2024 को होना है। ठीक है, तो अभी एडमिट कार्ड के लिए लिंक जारी किया है, लेकिन आपके जो प्रोफाइल आईडी है वहाँ आपका जो आप अपने प्रोफाइल आईडी को ओपन करेंगे तो इस प्रकार नो डाटा फाउंड दिखाई देगा। ठीक है, तो ये केवल आपका एडमिट कार्ड बस डाउनलोड नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है सभी का, किसी का नहीं हुआ है, क्योंकि व्यापम ने नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया है लेकिन एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक जो है जनरेट नहीं किया है, मतलब आपके प्रोफाइल पर अपडेट नहीं किया है। ठीक है, यह सभी के लिए है, किसी का एडमिट कार्ड अभी डाउनलोड नहीं हो रहा है। लेकिन मैं डाउनलोड कैसे करना है इसका प्रोसेस पहले से बता रखा हूँ, उसका लिंक मैं आपको इस लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो जैसे ही वीडियो जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक आएगा, मैं आपको हमारे चैनल के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से जानकारी दे दूंगा और आप जो है अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन इसमें मेरा कोई गलती नहीं है, मैं तो जो व्यापम के द्वारा जो जानकारी मिला उसके आधार पर वीडियो बनाया हूँ कि एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है। लेकिन व्यापम ने जो हमारे प्रोफाइल आईडी पर, आपके प्रोफाइल आईडी पर आपका एडमिट कार्ड अपलोड नहीं किया है, तो इसमें व्यापम की गलती है, क्योंकि व्यापम ने लिखा है, साफ लिखा है कि 15 से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन आज तो 16 हो गया, डाउनलोड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस पर आपको घबराना नहीं है, आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। आप पॉजिटिव माइंड से आप अपनी प्रिपरेशन जारी करते रहें। तो यही अपडेट आप लोगों तक शेयर करना था। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।